नमस्कार दोस्तों, रेडी सर के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को WWE की एक कमाल की सुपरस्टार निकी बेला से जुड़ी हुई बहुत ही खौफनाक दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया घटना बताने वाला हूं। निकी बेला एक बहुत ही कमाल की WWE रेसलर है। उन्होंने कमाल कमाल के मैचेस खेले, लेकिन उन्होंने रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भुला सकती। दोस्तों, ये बात है 2017 की। 2017 के एक महीने में निकी बेला की एक फ्रेंड जिनका नाम था विकी गुरेरो, उनका बर्थडे था। सभी फ्रेंड सर्कल की लड़कियां ये प्लानिंग करती है कि हम लोग जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के थोड़े ही दूर वाले इलाके में एक अच्छा खासा रिजॉर्ट बुक करेंगे, वहां पे रात भर पार्टी करेंगे और सुबह सुबह अपने अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन उनका प्लान ये कैंसिल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि लाख कोशिशें करने के बाद भी उन लोगों को कोई भी रिजॉर्ट में बुकिंग मिल ही नहीं पा रही थी। विकी गुरेरो के साथ साथ निकी बेला भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी। फिर आखिरकार फ्रेंड सर्कल की सारी लड़कियां मिलकर ये प्लानिंग करती हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर हमें रिजॉर्ट में बुकिंग नहीं मिल पा रही है तो हम अपनी सिटी के एक पास वाले छोटे से टाउन के एक अच्छे से क्लब में चलेंगे, वहां पर मस्त पार्टी करेंगे आधी रात तक और 2-3 बजे तक रात के अपने अपने घर चले जाएंगे। प्लानिंग के हिसाब से वो लोग अगले टाउन में पहुंच जाते, वहां भी उन्हें बड़ी मुश्किल से एक बुकिंग मिलती है क्लब में। लेकिन क्लब में एंटर करने से पहले ही उनकी गाड़ी के नीचे आ जाती है काली बिल्ली, उसकी मौत हो जाती है। सबके सब बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उनमें से कोई भी भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उनकी फ्रेंड सर्कल की एक लड़की बोल रही थी कि यह अशुभ होता है, ये अच्छा नहीं हुआ है। फिर भी उसकी बात को इग्नोर करके सब लोग क्लब में जाती है, रात भर पार्टी करती हैं, लगभग 3 बजे के आसपास वहां से निकलती है। सोचती है कि अभी घर जाने का सही टाइम नहीं है, हम लोग ड्रंक भी है, इसलिए एक काम करते हैं कि आसपास के ही कोई इलाके में हम लोग कोई एक होटल रूम देख लेते हैं और वहां पर रात भर स्टे कर लेते हैं और फिर आफ्टरनून तक हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। प्लानिंग के हिसाब से उन लोगों को एक होटल मिल भी जाता है, लेकिन जैसे उस होटल में उन लोग एंटर करते हैं तो उस होटल में बहुत ही ज्यादा कुछ क्रीपी होने लगता है। होटल में क्रीपी ये था कि होटल में होटल मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं। होटल में एंटर करने के ही बाद उन्हें बहुत ज्यादा ठंडी फील हो रही थी। निकी बेला तुरंत मैनेजर से कहती है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी क्यों है, अगर आपका एयर कंडीशनर चालू है तो आप उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा क्यों नहीं देते, हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैनेजर कहता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एयर कंडीशनर नहीं है। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो वाली लड़की जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास था वो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि जिस जगह पर कुछ निगेटिव एनर्जीज होती है वहां पर टेम्परेचर अपने आप ठंडा मेंटेन रहता है। हालांकि वो समर का टाइम था, लेकिन फिर भी वहां पर कैसा ये सब हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं और अपने अपने अलॉट किए हुए रूम में पहुंच जाते हैं। सभी लड़कियां अलग अलग रूम में ठहरती है, क्योंकि सभी बड़े अमीर घर की लड़कियां थी। निकी बेला भी अपने कमरे में जैसे ही एंटर करती है उन्हें उस कमरे में और भी ज्यादा कम टेम्परेचर मिलता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में यहाँ पे बर्फ जमी जाएगा। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि एयर कंडीशनर ना होने के बावजूद भी इस घर में, इस कमरे में, इस होटल में इतना कम टेम्परेचर क्यों है। वो फिर भी आगे फिर से गलती करती है इस बात को इग्नोर करने की। समझ रहे आप लोग, आगे सुनते जाइए। वो डायरेक्टली सोचती है कि मैं अपना मेकअप धोऊंगी, एक वॉश लूंगी, एक नहाऊंगी एक बार और फिर उसके बाद वापस आके सो जाऊंगी, फिर डायरेक्टली सुबह उठूंगी। वो ऐसे ही करती है, वो सीधे जाती है वॉशरूम की तरफ और अपना मेकअप निकालने लगती है। मेकअप निकालने के बाद वो शॉवर ले ही रही होती है कि अचानक से उनको ऐसी आवाज आती है कि कोई जोर से कुछ ऐसा ब्लास्ट। वो ब्लास्ट होने की वजह से टेम्परेचर और भी ज्यादा घट जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उस होटल में, उस रूम में एयर कंडीशनर चालू तो नहीं था, लेकिन एयर कंडीशनर अवेलेबल थे। निकी बेला को लगता है कि शायद मैनेजर से कोई कंफ्यूजन हुआ है, यहाँ पर एयर कंडीशनर है, मैं एक बार अपने रूम में जाकर देखती हूँ, चेक करती हूँ एयर कंडीशनर कहीं चालू तो नहीं, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगी या उसे बंद कर दूंगी। वो शॉवर कंप्लीट करके जैसे ही बाहर पहुंचती है तो उनकी नजर पड़ती है एयर कंडीशनर के रिमोट पर, जिसमें जो टेम्परेचर की डिजिट्स आती है वो बहुत तेजी से फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी, बहुत तेजी से, मतलब ऐसे चेंज हो रही थी। निकी बेला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ है, रिमोट को ठोकती है और फिर एक साइड में फेंक देती है घबरा कर। लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर और भी ज्यादा चेंज होने लगता है। अचानक से उनको ऐसा सुनाई देता है कि फिर से वैसे ही ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट होने की वजह से उनके रूम की जो विंडो थी वो विंडो में ऐसा लगता है किसी ने जोर से अपना हाथ मारा है। बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उनका रूम तो हाइट में था, लेकिन हाइट में विंडो के बाहरी तरफ से कैसे किसी के पंच मारने की जोर से आवाज आई, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज क्लिक हो जाती है कि ये रूम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, होटल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। कपड़े पहन के भागते हुए वो अपने फ्रेंड के रूम में जाती है, नॉक करती है और बोलती है तुरंत इस होटल से हमें निकलना पड़ेगा, ये होटल हॉन्टेड है। सब लोग वही करती है, क्योंकि सभी लोगों ने वहां पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया था।
सब लोग होटल से निकल जाते हैं और उसके बाद कभी भी उस होटल को पलट कर नहीं देखती है। निकी मेहरा का कहना है कि इस कांड के बाद उन्हें काफी दिनों तक उस होटल के अजीबोगरीब सपने हैं कि कोई आदमी है उनका पीछा कर रहा है, एक साया है जिसका कोई चेहरा नहीं है और जो उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। निकी बेला आज भी इस भूतिया कांड को भुला नहीं पाई है और शायद कभी भुला भी नहीं पाएगी। अपने कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने अपनी हॉरर स्टोरीज बताई है। अगर आप लोगों को भी इस WWE की डीवा सुपरस्टार की हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की हैरान कर देने वाली भूतिया स्टोरीज मैं लेके आते रहूंगा। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके जुड़ जाइए।